चलो सर, कैसे हो आप? चलो सर, ये जो की देख रहे हो ना, ये भाई ऑल न्यू एम्पियर नेक्सस की। तो ये जो ना आज इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया एम्पियर ने, एंड ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, ये डायरेक्ट कंपटीशन देने वाला है जो भाई एथर का जो रिश्ता है ना उसको, ठीक है। तो उससे कितना अलग है या फिर इसमें क्या चीज़ें मिलती है, उसमें क्या चीज़ें है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको वीडियो में बताता जाऊँगा। तो इस वीडियो को ना कंप्लीट देखना, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी क्या क्या जो है चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती है। तो सबसे पहले तो ये की मिलती है आपको, वेव की है। तो यहाँ पे की इंसर्ट में कर लेता हूँ। जैसे ही मैं की इंसर्ट यहाँ पे करूँ ना, तो यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें जो ना आपको कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प सेटअप यहाँ पे मिलेगा। डीआरएल्स काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया है यहाँ पे, एम्पियर का जो बीच में लोगो है। उसके बाद में साइड में जो है आपको ये मिरर्स वगैरह देखने मिल जाएंगे, एंड कंप्लीट जो है ना ये प्लास्टिक का जो है पैनल यहाँ पे रखा गया है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद हाई बीम लो बीम सब इसी के अंदर है जो आप देख रहे हो ना, ये अभी हाई बीम प्लस जो है लो बीम दोनों ही जो है फिलहाल आई थिंक ऑन नहीं है भाई, ये सिर्फ लो बीम हो ना, नीचे हाई बीम है। आप दिखाता हूँ आपको हाई बीम कैसी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हाई बीम का अलग सेटअप दे रखा है। तो मैं आपको ये देखो, जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया तो अभी जो है ना हाई बीम इसकी ऑन हो चुकी है। तो हाई बीम जो है कुछ इस तरीके की लगती है, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जब साइड में आऊँ तो यहाँ पे भाई आप लोग देखो, पैनल में यहाँ पे ड्यूअल कम्बिनेशन आपको मिलेगा, लाइक ब्लैक एंड जो है यहाँ पे इसका बॉडी पेंट। तो कंप्लीट जो है ना प्रीमियम फील आपको आने वाली है। उसके साथ में एम्पियर की यहाँ पे बैजिंग वगैरह है, एलईडी इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद 90 सेक्शन में फ्रंट टायर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे दिए गए हैं, एमआरएफ कंपनी के टायर्स हैं। तो यहाँ पे जो है 90 90 12 12 इंचेस की जो है व्हील्स आपको देखने मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद जब अपन साइड एंगल में आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे की स्लॉट आपको मिल जाएगा, नॉर्मल सा है, बेसिक सा बिल्कुल। यहाँ एक हुक मिल जाता है जिसमें आप थोड़ा वो सामान टांग सकते हो, या आपका मैट वगैरह डल जाएगा। एंड जब आप पीछे की साइड आओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ना रिश्ता वाली फील आने वाली, क्योंकि ये जो है ना डिज़ाइन मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ थोड़ा बहुत उससे सिमिलर है। उसके बाद ये कंफर्टेबल सीट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, काफ़ी बड़ी सीट है, दो के इस पे तीन लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। उसके बाद जो साइड फुटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में। यहाँ पे ग्रैब रेल भी जो है काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन इसमें जो ना पार्ट्स तो प्रीमियम डाले हैं यार, कुछ भी कहो। उसके बाद यहाँ आपको अलग से पैनल मिलता है जो कि कवर करता है इसके कंपार्टमेंट को, इसके ऊपर ये एम्पियर की आपको बेजिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। अब ये जो टायर है ना, ये भी सेम साइज़ का है। यहाँ पे जो है ना आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, स्प्रिंग सस्पेंशन। उसके बाद बैटरी और मोटर के बारे में बताता हूँ। तो भाई इसके अंदर जो है ना 3 किलोवाट आवर का जो आपको बैटरी पैक मिलता है, जो कि 136 किलोमीटर की रेंज देता है, 3.3 आवर्स में फुल चार्ज होता है घर पर ही। उसके बाद ये जो मोटर है ना, ये 4 किलोवाट की जो है पीक पावर आपको देती है, 93 की जो है टॉप स्पीड देती है। उसी के साथ में जो एक्सेलरेशन है ना, वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि टॉर्क वगैरह भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। उसके बाद पीछे यदि मैं आऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखो, ऑल एलईडी सेटअप यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अगेन नेक्सस की जो है आपको बेजिंग देखने मिलेगी, नेक्सस एसटी, काफ़ी प्रीमियम जो है यहाँ पे आपको ये बेजिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में भाई यहाँ पे जो इवेंट्स टाइप है ना, ये लाइक कुछ डिफरेंट मेरे को लगा, ये एसी वेंट नहीं है, ये जो है भाई नॉर्मल डिज़ाइन इसमें दिया गया है। उसके बाद ये ब्लैक पैनल, एंड यहाँ पे जो एलईडी लाइट दी गई है नंबर प्लेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, एंड डीआरएल्स जो है ना पीछे सीरियसली काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अपने को ये मिड ड्राइव जो है, लाइक जो है मिड ड्राइव नहीं है सॉरी, ये जो ना आपको जो टायर है ना उसके बीच में ही कनेक्ट दिखेगी मोटर, लाइक हब मोटर जो अपन बोलते हैं ना, वो इसके अंदर यूज़ की गई है। उसके बाद साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों ही आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, कंप्लीट कंपार्टमेंट यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पूरी अपनी मोटर वगैरह जो है प्लेस की गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी, लाइक मेरे को पता है बूट स्पेस अभी नहीं दिखाया, वो भी दिखा दूँगा। मिरर्स यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अपने दोनों ब्रेक वगैरह है। उसके बाद यहाँ इंडिकेटर का बटन है, ये हैजार्ड का बटन है, ठीक है। उसके बाद ये हाई बीम लो बीम, ये जो है भाई अपना अगेन कोई बटन वगैरह है, लाइक जो मीटर का है ना वो बटन है। यहाँ से आप होम बटन पे जा सकते हो, ये हॉर्न, ये रिवर्स का बटन है। रिवर्स जो है ना पता कैसे काम करती है, आप जब लाइक रिवर्स करोगे तो रिवर्स का बटन दबा के रखना पड़ेगा, तभी ये रिवर्स जाएगी। जैसे ही आप छोड़ दोगे ना, डायरेक्ट लाइक जो है फ्रंट मोड में लग जाती है। उसके बाद ये सारे इसके कंट्रोल हैं, यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, लाइक अब जो है इको मोड में है तो अब आप इसको चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते, जैसे मैं यहाँ पे मोड पे करूँगा ना स्टार्ट करके, तो सबसे पहले इको, उसके बाद सिटी एंड जो है पावर मोड, तीन मोड्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, और यहाँ से आप लोग इनको चेंज कर सकते हो। ये जो बटन से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब स्क्रीन के अंदर क्या है भाई, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पे 67 किलोमीटर की जो यहाँ पे रेंज दिखा रहा है पावर मोड में। जैसे मैं इसको इको या सिटी कर दूँगा तो देखो 101 किलोमीटर की रेंज आ चुकी है। उसके बाद बीच में ये स्पीड आपको शो कर देगी, यहाँ पे ऑडोमीटर आ जाता है, यहाँ पे पेयर आप कर सकते हैं अपने डिवाइस को, ये आरपीएम वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप एवरेज स्पीड वगैरह
मैक्स स्पीड वगैरह सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, वो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट चार्जिंग वगैरह आपको दिखा देगा, उसी के साथ में जब सेटिंग्स में आप लोग जाओगे तो यहाँ से जो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, विन नंबर, व्हीकल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र वगैरह, ये सब आप कर पाओगे इसमें जब आप इसको ख़रीदोगे ना, तो ये सारे एक्सेस भाई आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ जैसे ही चंदा मामा क्लिक करता हूँ तो भाई यहाँ पे आई थिंक कुछ नाइट मोड वगैरह कुछ लगता होगा इसमें, ये जो अपना डे मोड लग गया और ये नाइट मोड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करती है पूरी डिस्प्ले। ब्लूटूथ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। पार्क में जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आई थिंक ये पार्क वगैरह कुछ ओहो स्टैंड लग रहा है, दैट्स व्हाई ये पार्क शो कर रहा है। जैसे ही मैंने स्टैंड हटाया ये रेडी है, मतलब अब चलने के लिए भाई ये तैयार है। उसके बाद वापस से मैं स्टैंड लगा दूँ तो यहाँ पे पार्किंग में ऑटोमेटिक आ गया। तो ये जो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर है ना, ये आपको बहुत कम स्कूटर्स में मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिक में, मतलब जैसे अभी आपको इसके अंदर देखने मिल गया, उसके अलावा जो है आपको एथर वगैरह में भी देखने मिल जाता है। तो ये जो फीचर है ना काफ़ी बढ़िया है, जो कि होना चाहिए हर एक स्कूटर में। उसके बाद मैं अभी जो बूट स्पेस वगैरह आपको दिखा देता हूँ कि बूट स्पेस वगैरह भाई इसके अंदर कैसा क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना, अब जो अपना बूट ये खुल चुका है, इसके अंदर जो है ना आपको ये चार्जर वगैरह देखने मिल जाएगा और इसके अंदर काफ़ी डीप स्पेस है, मतलब इसके अंदर आप हेलमेट वगैरह, आई थिंक जो हाफ फेस हेलमेट है ना वो इसके अंदर आएगा, वो भी भाई बड़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस फ्लैट नहीं है। देखो ये जो हुड है ना इसकी वजह से शायद वो अच्छे से रखा भी नहीं जाएगा, तो बाकी आप सामान इसमें रख सकते हो जो आपके पास एक्स्ट्रा सामान, उसको आप यहाँ पे रख पाओगे। बाकी यहाँ पे लाइट वगैरह आपको मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ खास इसके अंदर दिख नहीं रहा है। तो ये था भाई इसका बूट स्पेस। बाकी इसकी प्राइस वगैरह के बारे में बता दूँ तो ये जो है ना भाई ऑन रोड आपको पड़ेगा, ऑन रोड नहीं सॉरी एक्स शोरूम आपको देखने मिल जाएगा। फिलहाल जो एक शोरूम प्राइस, इसकी इंट्रोडक्टरी जो प्राइस है ना वो 1,09,000 से स्टार्ट है और 1,20,000 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है प्राइस 10,000 रुपये इसकी बढ़ जाए, तो फिलहाल यदि आप लेना चाहोगे तो आपको 10,000 रुपये सस्ता पड़ जाएगा ये,